हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक लेयरिंग प्रोसेस बताया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो वहाँ मैंने लेयर्स के बेसिस से प्लांट्स का डेवलपमेंट बताया था बेसिकली, बट इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज ग्राफ्टिंग बेसिकली, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग जो एक प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है जिसमें टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट्स आर एडजॉइंट और कनेक्ट टू डेवलप ए कंपोजिट प्लांट, ठीक है। तो दो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को मैं ज्वाइन करके एक कंपोजिट प्लांट डेवलप करवाता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेक्निक है, ये ग्राफ्टिंग जो प्रोसेस है, इट इज एप्लीकेबल इन दोज प्लांट विच हैविंग द कैम्बियम, जिनके पास कैम्बियम प्रेजेंट होगा, एज वेल एज द प्लांट शुड बी बिलोंग फ्रॉम द सिमिलर जीनस और फैमिली। वो प्लांट जो है ना सिमिलर जीनस और फैमिली से बिलोंग करते हुए होने चाहिए, और यू स्टीलियट प्लांट होने चाहिए, इन द सेंस ट्रू स्टील भी होना चाहिए उनके पास, ठीक है। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो क्लोजली रिलेटेड प्लांट होना चाहिए बेसिकली ग्राफ्टिंग प्रोसेस के लिए। दूसरा थिंग कि यहाँ पे ग्राफ्टिंग में एक पार्ट तो शूटेड पार्ट होगा, सुपीरियर करेक्टर वाला जो पार्ट होगा दैट इज शूटेड पार्ट, ठीक है, जिसके हमें फर्दर करेक्टरिस्टिक चाहिए। तो शूटेड पार्ट इज नोन एज द सियोम, ठीक है। और इस शूटेड पार्ट के पास ही प्रेजेंट होगा फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट, ठीक है। दूसरा जो रूटेड पार्ट है जिसके ऊपर मैं सियोम को ग्राफ्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, द रूटेड पार्ट इज नोन एज द स्टॉक। द स्टॉक डू नॉट कंटेन एनी लीफ रूट, डू नॉट कंटेन लीफ फ्लावर्स और फ्रूट बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, कैसे वो ग्राफ्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, तो उसका प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले जो स्टॉक और सियोम जो है उनको कट किया जाता है, ठीक है, और कट करने के बाद स्टॉक और सियोम को ज्वाइन किया जाता है या फिक्स किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ फिक्सिंग जो है, ठीक है, या ज्वाइनिंग जो है वो ऐसे हो कि उन दोनों का कैम्बियम जो है वो कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है। जब कैम्बियम जब कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी ये उसका वो एडजॉइनिंग हो पाएगा, क्योंकि कैम्बियम इज द मस्टोमेटिक टिश्यू। इसीलिए जब उनका एडजॉइनिंग हो जाए तो एडजॉइंट पार्ट और फिक्स पार्ट और ग्राफ्टेड पार्ट इज कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग वैक्स, ठीक है। आफ्टर कवरिंग इट इज टाइड विद द रबर बैंडेजेस, टेप एक्सेट्रा, इन चीजों से उसको बांध दिया जाए। तो आफ्टर सम टाइम दिस विल डेवलप ए कंपोजिट प्लांट, ये डेवलप करेगा क्या, एक कंपोजिट प्लांट। तो इस कंपोजिट प्लांट के पास दो पार्ट है, दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट है, एक तो रूटेड पार्ट तो अलग प्लांट का है और शूटेड पार्ट अलग प्लांट का। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टॉक तो अलग प्लांट का है और इसमें सियोम एक अलग पार्ट प्लांट का बेसिकली, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक समय यहाँ पे सियोम का चीज हुआ, ठीक है। तो प्रोसेसिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस स्टॉक एंड सियोम आर कट, देन सियोम इज फिक्स्ड ऑन द स्टॉक बाय कंटेनिंग द कैम्बियम। नेक्स्ट स्टेप, द एडजॉइनिंग और यूनियन पार्ट इज कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग वैक्स, उसको मैं ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर देता हूँ। दूसरा, नेक्स्ट एडजॉइनिंग पार्ट इज टाइड विद द बैंडेज, टेप और रबर, उससे मैं उसको बांध देता हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम दिस ग्राफ्टेड पार्ट विल डेवलप द न्यू और कंपोजिट प्लांट, जिसके पास मेरा डिजायर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगा, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ ये जो ग्राफ्टिंग है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स का है, कैसे मैं कट लगाऊंगा, कैसे उनको ग्राफ्ट करूँ, तो इसके बेसिस पे क्या है वो डिफरेंट टाइप का ग्राफ्टिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का अगर देखें तो ये डिफरेंट टाइप का, फर्स्ट इज टेल ग्राफ्टिंग, सेकंड इज बेस ग्राफ्टिंग, थर्ड इज क्राउन ग्राफ्टिंग, फोर्थ इज अप्रोच ग्राफ्टिंग एंड फिफ्थ इज द बड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स की ग्राफ्टिंग है, अगर टाइप अगर देखा जाता है टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। Types of grafting, grafting का जो टाइप है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स का होता है, दैट इज टेल ग्राफ्टिंग, सेकेंड इज बेस ग्राफ्टिंग, बेस ग्राफ्टिंग, थर्ड इज क्राउन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, फोर्थ इज अप्रोच ग्राफ्टिंग,
एंड फिफ्थ इज बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की ग्राफ्टिंग है, तो हम वन बाई वन ग्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द टंग ग्राफ्टिंग, बेसिकली टंग ग्राफ्टिंग। जनरली टंग ग्राफ्टिंग जो होगा वो एप्पल के केस में यूटिलाइज किया जाता है और पीआर के केस में यूटिलाइज किया जाता है, बेसिकली टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग के केस में क्या होगा कि जो सियोन और स्टॉक है, उन सियोन और स्टॉक को मैं क्या एक ऑब्लिक स्लोप कट की फॉर्म में उसको वहां से कट करूंगा बेसिकली, ठीक है, जिसको मैं फर्दर उनको ज्वाइन कर सकूं। ठीक है, हियर सियोन, ठीक है, तो सीओन एंड स्टॉक इनके अंदर ऑब्लिक स्लोप, ऑब्लिक स्लोप और नॉच, कट इज गिवन, इज गिवन इन स्टॉक एंड सियोन, एंड सियोन। ठीक है, फर्दर स्टॉक एंड सियोन आर फिक्स्ड ऑन या कंबाइन या एडजॉइन बेसिकली, फर्दर स्टॉक और सियोन स्टॉक और सीओ आर एडजॉइनिंग, दिस इज द एडजॉइनिंग और यूनियन ऑफ स्टॉक सीओ ऑन स्टॉक, ऑन स्टॉक। ठीक है, यहां उनको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में द एडजॉइनिंग पार्ट इज कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग वैक्स, एडजॉइनिंग और यूनियन पार्ट इज कवर्ड विद, कवर्ड विद एडजॉइनिंग और यूनियन पार्ट इज कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग वैक्स, ग्राफ्टिंग वैक्स। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर करने के बाद द एडजॉइनिंग पार्ट इज टाइड विद द बैंडेजेस, टेप और रबर बैंड, एडजॉइनिंग पार्ट पार्ट इज टाइड विद विद बैंडेज, बैंडेज टेप और रबर, और रबर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, दो दिन, दस दिन, बीस दिन या वन मंथ टू मंथ, आफ्टर सम टाइम इट विल डेवलपमेंट, डेवलप द कंपोजिट प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट ये कंपोजिट प्लांट का डेवलपमेंट परफॉर्म कर देते हैं। तो ये ओवरऑल द प्रोसेस है दैट इज द टंग ग्राफ्टिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग में ए स्टेप तो क्या हुआ, दोनों स्टॉक सियोन को कट किया, ऑब्लिक कट दिया उनके अंदर। बी स्टेप के अंदर क्या हुआ है कि दोनों को मैंने एडजॉइन किया, उस मैनर में एडजॉइन किया है कि उनकी कैम्बियम जो है ना आपस में कॉन्टेक्ट में रहे।
थर्ड स्टेप में क्या किया है, एडजोइनिंग पार्ट्स को मैंने कवर कर दिया है ग्राफ्टिंग बैग से, ठीक है। ग्राफ्टिंग बैग से कवर करने के बाद जो एडजोइनिंग पार्ट था या यूनियन पार्ट जो था, इट इज टाइड विद द बैंडेज रबर और टेप, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम इट विल डेवलप द कंपोजिट प्लान, ठीक है। तो ये जो टाइल ग्राफ्टिंग टेक्निक जो है, इट इज यूज इन केस ऑफ द एप्पल एंड पियर एग्जाम्पल, जिसके अंदर की इस टेक्निक को यूटिलाइज किया जाता है। It uses in apple and pear. Yes, उनके अंदर इसको यूटिलाइज किया। नेक्स्ट है सेकेंड टेक्निक, दैट इज वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग ठीक है। तो वेज ग्राफ्टिंग जो होगा, उस वेज ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा कि जो सियोन है उस सियोन को वेज की फॉर्म में काटा जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसको इस टाइप से बनाया जाएगा कि वहां वो एक पॉइंटेड रहे सियोन जो होगा, ठीक है। जबकि स्टॉक जो होगा उस स्टॉक के अंदर वी शेप्ड जो कट है वो लगाया जाएगा, ठीक है। तो सियोन के अंदर सॉरी स्टॉक के अंदर तो वी शेप कटिंग दिया जाए और सियोन के अंदर वो वेज कटिंग दिया जाए बेसिकली। तो सियोन जो होगा इट इज फिक्स्ड इन द स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर तो वी शेप्ड कटिंग था जबकि सियोन के अंदर जो था वो वेज कटिंग था, ठीक है। तो वेज कटिंग इज गिवन टू या फिर सियोन में ये सियोन है ये पॉइंटेड कटिंग, वेज का मतलब होता है पॉइंटेड ये सियोन। और जो स्टॉक जो था स्टॉक के अंदर वी कटिंग, दिस इज द स्टॉक, ठीक है। यहां पे वेज कटिंग इज गिवन टू बेस ऑफ सियोन, ठीक है। जबकि इन स्टॉक वी सेव इज गिवन, वी सेव कटिंग इज गिवन इन स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ सियोन जो है उसके अंदर तो वेज कटिंग दिया है, वेज का मतलब होता है पॉइंटेड, ठीक है। तो पॉइंटेड कटिंग, जबकि जो स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर वी शेप कटिंग दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो सियोन है, सियोन इज एडजॉइनिंग या सियोन इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक, सियोन इज ग्राफ्टेड इन ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, ऑन उसको ऊपर ग्राफ कर दिया जाता है, दिस इज सियोन और दिस इज स्टॉक, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्टेड पार्ट है या एडजॉइनिंग पार्ट है, द एडजॉइनिंग पार्ट इज फर्दर कवर्ड विद वैक्सी ग्राफ्टिंग वैक्स, एडजॉइनिंग पार्ट इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स। And tied with rubber band, rubber या फिर वो bandage भी हो सकता है, bandage, ठीक है, और या फिर वो tape भी हो सकता है,
आफ्टर सम टाइम जब उसमें बांधूंगा, बांधने के कुछ दिन बाद ठीक है, इट विल डेवलप द कंपोजिट प्लांट। तो कंप्लीटली वो एडजॉइंट होने के बाद ये जो प्लांट बनेगा दैट इज द कंपोजिट प्लांट, नेक्स्ट स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट प्लांट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो दैट इज वेज ग्राफ्टिंग। तो वेज ग्राफ्टिंग में ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो सीओन है उसका वेज शेप में कटिंग किया जाता है या पॉइंटेड शेप में कटिंग किया जाता है, जबकि जो स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर वी शेप में कटिंग किया जाता है, और वी शेप कटिंग के अंदर हम उस सीओन को इंसर्ट करते हैं बेसिकली, या ग्राफ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, द सीओन इज इंसर्टेड इनटू द स्टॉक और द सीओन इज ग्राफ्टेड इनटू द स्टॉक बेसिकली। आफ्टर दिस द एडजॉइनिंग पार्ट इज covered with the grafting wax and the tied with the rubber bandage or tape basically, वैसे किसी से बांध दिया जाता है। उसके बाद वो क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिकली को देख नया प्लांट का डेवलपमेंट परफॉर्म कर लेगा वैसे। ठीक है, तो वेज ग्राफ्टिंग जो होगा इट इज जनरली यूटिलाइज इन केस ऑफ द बोसेस एंड सम फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, जो फ्रूट देने वाले प्लांट्स हैं उनके केस में भी हम वेज ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और बोसेस के केस में भी हम इसका वेज ग्राफ्टिंग करते हैं। It is used in bushes and fruit bearing plants. उनके केस में हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। The third grafting is crown grafting. क्राउन ग्राफ्टिंग के केस में जो सियोन होगा उस सियोन के अंदर हम सिंपली जैसे जो सियोन का जो वेस था उसको वेज कटिंग में कन्वर्ट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक होगा उस स्टॉक के अंदर हम स्लिट्स बनाएंगे। ठीक है, और उस स्लिट्स के अंदर हम उस सियोन को इंसर्ट करेंगे बेसिकली। तो इस स्टॉक के अंदर हम एक से ज्यादा सियोन को स्टॉक ग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ्टिंग इज क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो क्राउन ग्राफ्टिंग के केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जो सियोन है उन सियोन को सेलेक्टेड करेंगे। ठीक है, सियोन को सेलेक्ट करने के बाद उनका सियोन का जो बेस है उन बेस को उनका जो बेस है उस बेस को वेज शेप में कन्वर्ट करेंगे। वेज शेप मतलब क्या है कि वो पॉइंटेड शेप में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा बात की जो स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर हम स्लिट्स फॉर्म करेंगे या स्लिट्स बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो उस स्लिट्स के अंदर हम फर्दर इंसर्ट कर देंगे सीओस को एंड ग्राफ्ट कर देंगे बेसिकली, और उसको टाइल करके न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस सियोन आर सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सियोन कट एज एट द बेस पर बेसिकली। दूसरा थी जो स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर स्लिट्स फॉर्म किया जाएगा इन स्टॉक स्लिट्स आर फॉर्म। स्लिट्स का मतलब ग्रुप्ड होते हैं बेसिकली, या ग्रुप होते हैं, स्लिट्स आर फॉर्म। ठीक है, जैसे स्लिट्स बनेगी तो द सियोन इज इंसर्टेड इनटू द स्लिट्स इन स्टॉक स्लिट्स आर फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में सियोन इज इंसर्टेड इन स्लिट्स ऑफ स्टॉक of stock basically.
ठीक है, सियोन को इंसर्ट कर देंगे उस स्टॉक के सिलेक्ट के अंदर, ठीक है, और ग्रुप्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट एड जॉइन पार्ट होंगे, पार्ट्स आर कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स, ग्राफ्टिंग वैक्स एंड टाइड विद बैंडेज, और वही रबर एक्सेट्रा, ठीक है, टू डेवलप द न्यू प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट प्लांट, कंपोजिट प्लांट, वो कंपोजिट प्लांट का डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो टेक्निक को हम बोलते हैं काम। तो इसका ये तो एक डायग्राम डायग्राम, मैं इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देता हूँ तो, ठीक है, तो कैसे होगा, सियोन है, तो सियोन का जो बेस है, द बेस ऑफ सियोन इज गिवन वेज कटिंग, वे शेप बेस ऑफ वेज शेप बेस ऑफ सियोन, ठीक है, बताया वेज, वेज का मतलब होता है कि वो पॉइंटेड है, ठीक है, जबकि स्टॉक जो है, इस स्टॉक के अंदर हम फर्दर फ्लेक्स बनानी होती है, फ्लेक्स वर मेड इन स्टॉक, दिस वाज सियोन, दिस इज स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक जो है, स्टॉक के अंदर बहुत सारे प्लेट्स बना रहा हूँ, और बताया जिसका मतलब क्या होता है, ग्रुप्स बेसिकली, जिसमें मैं सियोन को इंसर्ट करूंगा, सिलेट्स बर्मेड इन स्टॉक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे सीरीज बना के रखा हुआ है, तो इनके अंदर मैं बहुत सारे सियोन्स को भी इंसर्टेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में सियोन इज इंसर्टेड इन, सियोन इज इंसर्टेड इन Slips of stock, of stock. ठीक है, उसके अंदर उसको insert कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे स्टॉक सियोन को मैं इसके अंदर इंसर्ट करके बता रहा हूँ, स्लिप्स के अंदर एक स्टॉक इसको इंसर्ट किया है स्लिप्स के अंदर, ये स्लिप्स थे, दूसरा स्टॉक, दूसरा सियोन जिसको मैंने इस स्लिप्स के अंदर इंसर्ट किया है, थर्ड सियोन इसको मैंने थर्ड स्लिट्स के अंदर इंसर्ट किया बेसिकली। तो क्या हो गया ना कि यहाँ एक स्टॉक के अंदर, एक स्टॉक के अंदर डिफरेंट सियोन को मैं इंसर्ट कर पाता हूँ, सियोन इंसर्टेड इन एंड
प्लेट्स ऑफ स्टॉक स्टॉक ठीक है। फर्दर वही द एडजॉइनिंग पार्ट इज टाइड विद द एडजॉइनिंग पार्ट इज कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग बैग्स एंड टाइड विद द रबर बैंड एडजॉइनिंग पार्ट इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग बैग्स and tied with bandage bandage or so it will develop the new plant development of composite plant ठीक है। और ये डेवलप कर देगा क्या कंपोजिट प्लांट। तो दिस ओवरऑल ग्राफ्टिंग इज द क्राउन ग्राफ्टिंग ठीक है। तो ये टेक्निक जो है ना वो भी फ्रूटिंग प्लांट्स के अंदर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए ठीक है। और ये क्राउन ग्राफ्टिंग जो भी जनरली हम जो मानसून वाला सीजन आता है ठीक है उस रेनी सीजन के अंदर हम इस ग्राफ्टिंग को परफॉर्म करवाते हैं बेसिकली ठीक है। तो ये प्लांट को रिजुविनेट करने के लिए भी हम इस क्राउन ग्राफ्टिंग को परफॉर्म करवाता है ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग इज अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग तो अप्रोच ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या है दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स को कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं और उनके जो शूटेड पार्ट्स हैं उन शूटेड पार्ट्स के अंदर वर्टिकल कट लगाते हैं उनकी बात में ठीक है। और उन दोनों एड पार्ट्स को एडजॉइन कर देते हैं ठीक है। और फर्दर एडजॉइन करने के बाद जो पार्ट्स हैं उनको मैं बैक्सी ग्राफ्टिंग बैग्स और कोई बैंड से रबर बैंड से या फिर बैंडेजेस से टाइट कर देता हूँ। तो जब उनका कंप्लीटली ग्राफ्टिंग हो जाता है देन द वन पार्ट द सियोर पार्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड एंड स्टॉक पार्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड बेसिकली ठीक है। एक प्लांट का तो स्टॉक पार्ट होगा दूसरे प्लांट का इसमें सियोन पार्ट होगा ठीक है। तो एडजॉइनिंग होने के बाद फर्दर वो न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट परफॉर्म करता है या फिर वो एक कंपोजिट प्लांट्स का डेवलपमेंट परफॉर्म करता है। मैं डायग्रामेटिक हेल्प से बता रहा हूँ ये दो प्लांट है एक प्लांट यहाँ पे स्टॉक की तरह काम करता है दूसरा प्लांट इस जगह पे सियोन की तरह काम करेगा इस प्लांट ए प्लांट और एक ऐसे कर लो ए प्लांट और बी ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन दोनों प्लांट को क्या है इनके जो सूट है उनको कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे ठीक है। कॉन्टेक्ट में लेके आने के बाद इनकी बार्क जो होगी ठीक है जो शूटेड पार्ट है जो शूट जो है ठीक है ब्रांचेज जो है इनकी जो बार्क है उन बार्क के अंदर वर्टिकल कट लगाएंगे ठीक है। वर्टिकल कट या फिर टैंक शेप में कट लगाएंगे बेसिकली और कट लगाने के बाद उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे ग्राफ्ट कर देंगे बेसिकली और फिर बैंडेज से या फिर रबर से उसको बांध देंगे ठीक है। ए बॉथ प्लांट बॉथ प्लांट कमिंग परफेक्ट या बॉथ बॉथ टू कम इन कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ठीक है। हम कॉन्टेक्ट में लिखे हैं कॉन्टेक्ट में लाने के बाद सेकेंड स्टेप में द ब्रांच ब्रांच
ठीक है, या इन ब्रांच, इन ब्रांच ऑफ बोथ प्लांट, ऑफ बोथ प्लांट, बोथ प्लांट वर्टिकल कट और टाउनशिप से कट इज गिवन इन बार, कट इज गिवन इन बार, उनकी जो बार है उसके अंदर कट दिया जाता है। तो कट देने के बाद दोनों की जो बार है या फिर दोनों की जो जो ब्रांचेस है उसको मैं ग्राफ कर देता हूँ, बहुत ब्रांचेस और शूट भी बोल सकते हैं इसको, शूट आर ग्राफ्टेड, ग्राफ्टेड, ठीक है, उनको मैं ग्राफ कर देता हूँ। ग्राफ होने के बाद क्या होगा, वहां वो जो ग्राफ्टेड पार्ट है उसको वही मैं वैक्सी ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर करूंगा और उसको बैंडेज से बांधूंगा। बेसिकली नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप, एड जॉइनिंग पार्ट, एड जॉइनिंग पार्ट इज टाइड विद बैंडेज, मैं उसको क्या है बैंडेज से बांध दूंगा ठीक है। तो यहां इस जगह पे दिस वॉज सियोर और दिस वॉज स्टॉप, ठीक है। तो मैंने इनमें कट लगा के यहाँ पे इन दोनों ब्रांचेस को क्या है जोड़ दिया था, एडजॉइन कर दिया था। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे एडजॉइन किया, दिस इज ए प्लांट एंड दिस इज बी प्लांट, प्लांट बी, कट लगा के यहां से एडजॉइंट कर दिया, ये ग्राफ कर दिया। तो जैसे ये ग्राफ कट किया है तो ग्राफ्टिंग वाला जो पार्ट है, एडजॉइंट जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं क्या है टाइट कर देता हूं, बांध देता हूं इसी तरह, ठीक, ग्राफ्टेड और एड जॉइन पार्ट, एड जॉइन पार्ट इज टाइड विद बैंडेज, बैंडेज इसको मैं बैंडेज से बांध देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ दो पार्ट थे, एक तो दिस वॉज सियोन और दिस वॉज स्टॉक, स्टॉक, ठीक है। तो सीओ में स्टॉक जो है जब वो ग्राफ हो जाएगा कंप्लीटली अच्छे से, ठीक है, तब क्या करा जाए कि सियोन को तो मैं ब्लो द ग्राफ कट कर दूंगा, सियोन इज कट ब्लो द ग्राफ, ये ग्राफ से नीचे मैं इसको यहां से कट कर दूंगा और इस प्लांट से इसको डिटैच कर दूंगा, ठीक है। जबकि जो स्टॉक है इट इज कट आउट ऑफ द ग्राफ्ट, वो उसको ग्राफ से आउट से कट करवा लूंगा इसे। तो यहाँ ये एक प्लांट जो बना है, दिस प्लांट इज कंपोजिट प्लांट, ठीक है, उस प्लांट को हम बोलेंगे क्या कंपोजिट प्लांट। तो सियोन इट इज कट बिलो द ग्राफ्ट, जबकि स्टॉक इज कट, स्टॉक इज कट अबव द, कट अबव द ग्राफ्ट,
होता है ग्राफ, बेसिकली ग्राफ। ठीक है, तो जब मैं इनको सेपरेट कर लूंगा देन इट डेवलप द कंपोजिट पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट प्लांट। तो ऐसे करके ही क्या है कंपोजिट प्लांट का डेवलपमेंट परफॉर्म कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं से यहाँ से अगर इन सेपरेट प्लांट को इसको अलग कर दूँ और इसको अलग कर दूँ तो बचा हुआ जो प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट दिख रहा है दैट इज कंपोजिट प्लांट बेसिकली। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, यह जो ग्राफ्टिंग है इसको हम बोलते हैं क्या अप्रोच ग्राफ्टिंग बेसिकली। ठीक है, यहाँ दो प्लांट्स को, दो पॉटेड प्लांट जो है उनको अप्रोच किया गया जॉइनिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, ये जो अप्रोच ग्राफ्टिंग है, इट इज जनरली यूज इन केस ऑफ द मैंगो एंड सपोटा। कहाँ यूज किया, किन के केस में यूटिलाइज किया जाता है, इट इज यूज इन, इट इज यूज इन केस ऑफ मैंगो एंड सपोटा। सपोटा उन केस में हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द अप्रोच ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग इज द बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग तो बड ग्राफ्टिंग में बड जो होगा इट एक्ट एज ए सियोन, और इस सियोन को ही मैं क्या ग्राफ करूंगा फर्दर स्टॉक के ऊपर इन बड ग्राफ्टिंग। यहां पे बड ग्राफ्टिंग के केस में दिस इज बड, एक मल्टी सेलुलर बड है, इसकी बड है बड, बड एक्ट एज एक्ट एज सियोन, सियोन। ठीक है, जबकि स्टॉक जो होगा उस स्टॉक के अंदर एक टी शेप्ड कट अप्लाई किया जाएगा, और टी शेप जो कट है, ठीक है, उस कट की जो वार, उसकी जो वार्क है उसको मैं लिफ्टेड आउट करूंगा और एक्सपोज करूंगा उसके कैम्बियम को। ठीक है, तो उस लिफ्टेड आउट पार्ट जो है वार का, वहां मैं उस बड को ग्राफ कर दूंगा। ठीक है, और लिफ्टेड पार्ट को मैं फिर से छोड़ दूंगा, तो लिफ्टेड पार्ट जो होगा ना उसको फिक्स कर लेगा उस बड को। ठीक है, और जो फिक्स जो बड है उसको मैं फर्दर वही बैंडेज से बांध दूंगा, बांधने के बाद उस फर्दर न्यू और अपोजिट ब्रांच का डेवलपमेंट परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ ये तो सियोन है जिसको हम बड़ बोला, बड़ इज द सियोन, जबकि स्टॉक जो है दिस स्टॉक, ठीक है, इस स्टॉक में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक टी शेप्ड कट लगाऊंगा, टी शेप्ड कट इज गिवन इन द बार्क ऑफ द स्टॉक। ये जो कि क्या है बड़े। ठीक है, तो फर्दर द बार ऑफ टी सेप कट इज लिफ्टेड एंड एक्सपोज टू द कैम्बियम। मैं इसलिए हम बता रहा हूं इसीलिए, बार ऑफ टी सिम कट इज लिफ्टेड, लिफ्टेड टू एक्सपोज
टू एक्सपोज गैम्बियम, एक्सपोज कर दिया। ठीक, तो इस बार के अंदर मैं अब ग्राफ कर दूंगा इस सियोम को, सियोम जो कि क्या है, एक बर्ड है, बर्ड सियोम इज ग्राफ्टेड है, इज ग्राफ्टेड इन स्टॉक। ठीक है, मैंने क्या किया, उस बर्ड को यहां पे एक ग्राफ कर दिया, इसी का एक ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ करने के बाद क्या, उस लिफ्टेड पार्ट जो है ना उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, छोड़ दूंगा बेसिकली, तो वहां पे फिक्स कर दूंगा बेसिकली। ठीक है, एडजॉइनिंग पार्ट्स और एडजॉइनिंग बर्ड, एडजॉइनिंग बर्ड इज टाइड इन द बैंडेज और टाइड इन द बैंडेज और रबर। ठीक है, एडजॉइनिंग बर्ड, एडजॉइनिंग और ग्राफ्टेड बर्ड, ग्राफ्टेड बर्ड इज टाइड विद, टाइड विद बैंडेज और रबर, उससे मैं क्या उसको बांध दूंगा। ठीक है, तो ये बर्ड जो भी है अब वो आराम से उसके ऊपर ग्राफ्ट होकर नहीं नए इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होगा, बट डेवलप न्यू बर्ड, बर्ड ग्रोस एंड डेवलप्स, डेवलप्स न्यू बर्ड बेसिकली, न्यू बर्ड। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स है वो हम रोज के केस में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हम एप्पल के केस में भी यूज कर लेते हैं, ये हम पीस के केस में भी करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो नेचुरली अगर देखा जाए तो हमें एक ही कलर वाले रोज का प्लांट मिलता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बर्ड ग्राफ्टिंग हम क्या, एक ही प्लांट के ऊपर डिफरेंट कलर के रोज का बर्ड को ग्राफ्ट करके ही एक प्लांट से डिफरेंट कलर के रोज में ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, बाय द टेक्निक बर्ड ग्राफ्टिंग बेसिकली। तो उसी प्लांट के अंदर एक जो कंपोजिट प्लांट आप बनाए, उसी प्लांट के अंदर तो पिंक रोज है, उसी प्लांट्स के अंदर अब रेड रोज है, उसी प्लांट्स के अंदर अब ब्लू रोज है, ठीक है, उसी प्लांट्स के अंदर अब ब्लैक रोज है बेसिकली। तो अलग अलग कलर के एक रोज जो है मैं अब एक ही प्लांट से ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द बर्ड ग्राफ्टिंग। तो बर्ड ग्राफ्टिंग इज यूटिलाइजिंग इन एप्पल रोज एंड पीच, पीच इन द केस में हम उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द बर्ड ग्राफ्टिंग। अब बात करता है कि ग्राफ्टिंग जो है उस ग्राफ्टिंग के क्या तो एडवांटेज होते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग प्रोसेस, जो ग्राफ्टिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ग्राफ्टिंग प्रोसेस है उसके एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज, ठीक है, तो ग्रोथ जो होगी ना वो स्पीडली होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ द ग्रोथ प्लांट स्पीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट, द ग्रोथ
ऑफ प्लांट्स क्लासेस, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट जो है इसका, दूसरा प्रोसेस सुपीरियर करेक्टर, करेक्टर कैन बी ट्रांसफर, वो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मैं सुपीरियर करेक्टर को ट्रांसफर कर सकता हूं, सुपीरियर करेक्टर कैन बी ट्रांसफर टू अनदर प्लांट, टू अनदर प्लांट, वो दूसरे प्लांट्स के अंदर मैं सुपीरियर करेक्टर को ट्रांसफर कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, कंपोजिट प्लांट्स पर डेवलप, कंपोजिट प्लांट बर डेवलप्स, बर डेवलप्स बाय दिस टेक्निक, बाय दिस टेक्निक, दिस टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्लांट कैन बी मॉडिफाइड, क्वालिटी ऑफ द प्लांट कैन बी मॉडिफाइड, कैन बी मॉडिफाइड बेसिकली, उसको भी मैं मॉडिफाइड कर सकता हूं, ठीक है। ग्राफ्टिंग प्रोसेस से हम क्या पॉलिनेशन में भी हेल्प ले लेते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, तो पॉलिनेशन तो दो अलग अलग सेक्सेस के बीच बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई यूनिसेलुलर प्लांट है या फिर यह यूनिसेक्सुअल प्लांट है, सपोज वो एक मेल सेक्स कंटेनिंग प्लांट है, तो मैं क्या करता हूँ कि उस प्लांट के ऊपर एक फीमेल सेक्स की बर्ड को या फिर फीमेल सेक्स को ग्राफ्ट कर देता हूँ। तो अब एक प्लांट जो है इसके ऊपर दोनों दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ गया है, ठीक है, इसमें मेल सेक्सुअल करेक्टर भी आ गया, इसके पास फीमेल सेक्सुअल करेक्टर भी आ गया, बेसिकली ये पिस्टलेट भी बन गया है और ये स्टेमिनेट भी बन गया प्लांट, तो अब आपस में यही पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे और यही वो न्यू वन का डेवलपमेंट परफॉर्म करवा देंगे बेसिकली, ठीक है। ऑल्सो यूज इन, ऑल्सो यूजफुल, इट ऑल्सो यूजफुल, यूजफुल इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बेसिकली ये पॉलिनेशन में भी यूजफुल है। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग प्रोसेस बेसिकली वो क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग प्रोसेस, डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, सबसे पहला तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ठीक है, लॉन्ग टाइम चाहिएगा प्लांट डेवलप करने के लिए। दूसरा थिंग कि इस टेक्निक को करने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन का जरूरत होगा, ठीक है, जिसके पास प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नॉलेज हो, ठीक है। तीसरा थिंग कि जब मैं ग्राफ्ट करूंगा तो उस ग्राफ्ट को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, उसे मुझे एवरी डे क्या है ना मतलब उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है, तो मॉनिटरिंग इज नेसेसरी, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, 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 ठीक है। टेक्निकली स्किल्ड पर्सन नेसेसरी, टेक्निकली स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन इज नेसेसरी, ठीक है, विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉलेज और विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड प्लांट नॉलेज, ठीक है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए उसी। दूसरा थिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग
नेसेसरी, उसके लिए मॉनिटरिंग भी क्या होगा नेसेसरी होगा। बेसिकली ऐसा नहीं कि एक बार मैंने उसको ग्राफ्ट करके छोड़ दिया और लॉन्ग टाइम तक फिर उसको छोड़ दिया बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या है एवरीडे क्या उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग टेक्निक, ठीक है। थैंक यू।